निसरपुर में डूब प्रभावितों को लेकर हो रहे आंदोलन पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि 20 दिसंबर से डूब प्रभावितों के हक के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी निसरपुर के समस्त कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, अब इससे कांग्रेस कैसे दूर रहती, इसीलिए माहौल को भुनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विधायक प्रतिनिधि सुदामा पाटीदार ने निसरपुर कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। सरकार के 15 महीने रहने के बाद आज अचानक जो डूब प्रभावित भाजपा के धरने पर बैठे और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डूब प्रभावित होने की। डूब प्रभावित जो यहाँ पर दर्दनाक एक बहुत ही दुखद घटना हम कह सकते हैं। जितने दुख में जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, पास में पानी आ गया है, वो बेचारे आज भी उस पानी के पास में रह रहे हैं। 15 महीने की सरकार में माननीय सुरेंद्र सिंह नकानी बघेल जो मंत्री थे, एनवीडी मंत्री धनी भैया, उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए कैबिनेट 580 जिनको अपात्र करा था उनको पात्र करके मेरे पास आंकड़े हैं शासन के 822 लोगों को पात्र करवाया और उसमें से 725 लोगों को 580 का लाभ दिलवाया डूब प्रभावित। कई लोगों को 15 लाख जो पैकेज वाला जो सिस्टम था जमीन जिनके डूब गए वो भी मिला, 60 लाख की कार्रवाई भी हुई, पट्टे दिए गए। ये 15 महीने की सरकार में हुआ, 4 साल हो गए बीजेपी सरकार। बाकी लोग क्यों छोड़ गए? बाकी लोगों के लिए मैं आंकड़े लाया हूँ, गवर्नमेंट के आंकड़े लेके आया हूँ आपके पास, माननीय विधायक जी ने भेजे हैं। निसरपुर गांव से 444 लोगों के प्रकरण शासन के पास, कड़वान से 16 लोगों के प्रकरण शासन के पास में, ऐसे बाजरी खेड़ा डिहर चंदन खेड़ी अपने मोलखड़ कटनेरा निसरपुर ये सारी जगह के प्रकरण शासन के पास, शासन के वहां पर पूरे कंप्लीट प्रकरण है। यदि सीएम साहब सिर्फ इशारा कर दे तो आज उन लोगों को 580 का लाभ मिल सकता है। ये उस 15 महीने की सरकार के समय हुआ है हनी विहार के द्वारा। आपका क्या कहना है कि सीएम की सरकार होने के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के लोग धरने पर बैठे हैं सरकार करना ही चाहिए? ये तो आप ही समझिए, अब सरकार इनकी नगर की टीम बैठी है बीजेपी की, सरकार को ये तो सोचना चाहिए, डूब प्रभावित तो मानना चाहिए। पहले भी 17 से पहले भी सीएम साहब ने 0 घोषित कर दिया था, सब डूब प्रभावित को मुआवजा मिल चुका है, तो फिर धरने में क्यों बैठे हैं? ये तो बहुत दुखद घटना है कि आज उनके ही कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही सरकार में, और सीएम साहब चाहते नहीं है कि इनको 580 का लाभ मिले। और यदि ये 580 का लाभ सरकार जैसे ही कांग्रेस से गई उसके बाद से सीएम ने यहां से दल हटा दिए, दल प्रमुख हटा दिए, नर्मदा सेल हटा दी, मतलब वो देना नहीं चाहते। आज जिनपे कैफियत लगी थी, आज वो व्यक्ति हमारे बीच में है, उनकी कैफियत हट के आज 580 का लाभ मिला है, ये सामने बैठे व्यक्ति ऐसे। क्या कारण रहा कि आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो डूब पर भाजपा कार्यकर्ता बैठे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं? इसीलिए हम भी इकट्ठा हुए हैं भाई, बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं तो निश्चित है कि सभी डूब प्रभावितों को उसका लाभ मिल नहीं पाया है, तो वो लोगों को बैठना पड़ा, सरकार उनकी सुनवाई कर नहीं रही है। 2017 में जब निसरपुर डूबा था उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार में एक समिति बनाई, उस समिति का अध्यक्ष मेरे को बनाया था, इन्होंने तो टुकड़ों में पैसे डाले, जबकि हमारे हनी भैया ने पूर्व मंत्री ने एक मुश्त 580 लोगों के डलवाए हैं। तो वास्तव में ये चिंता वाली बात है कि सरकार होते हुए भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, तो वास्तव में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक काम किया है कि एनवीडीए विभाग अपने पास रख लिया है, वो विभाग किसी को दिया नहीं है, तो मुख्यमंत्री से आज कौन मिले? अगर कोई मंत्री था तो ठीक है, कोई भी मिल सकता था जाके, तो बड़ी अन्याय वाली बात है। ये जो लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए, तो हम भी इन लोगों का समर्थन करते हैं और हम भी इनके साथ में।